सो गाइज वेलकम बैक न्यू वीडियो प्रैक प्रो शूटर के और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाले वीडियो में तुम लोग का स्वागत करते हैं। तो गाइज अभी तुम देख सकते हो मेरा ट्रॉफी जो है 851 है, यानी कि 851 ट्रॉफीज है और जिसको कि मैं 1000 ट्रॉफीज करने वाला हूँ जल्द से जल्द। तो आज हम लोग का यही टारगेट है प्रैक प्रो शूटर में। और अगर जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर जिनको पता नहीं होगा कि प्रैक प्रो शूटर कौन सा गेम है, गाइज जी एक टीडीएम टाइप का गेम है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गेम है एंड मेरे को भाई काफ़ी खेलने में मज़ा आ रहा। और तुम लोग भी अगर ये गेम अगर नहीं खेलो तो एक बार ट्राई ज़रूर करना और काफ़ी जल्दी ये वाला मैच खत्म हो जाता है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अभी जो तुम देख सकते हो यहाँ पर जो हम कैरेक्टर यूज़ कर रही है भाई काफ़ी फास्ट दौड़ता है और जल्द से जल्द एनिमी को मार देता है, लेकिन भाई यहाँ पर हमको भी मार दिया और एनिमी भी मर गया। और अभी जो गाइस सामने बंदा आया है ना, तो इसमें एक जो ये कॉमन कार्ड वाला जो कैरेक्टर है भाई बड़ा खतरनाक है जो अभी आ रहा है दोनों हाथ में गन लेकर। ये देखो इधर राइट साइड में, तो ये गाइस ये बहुत खतरनाक है, थोड़ा सा डेन है इसका नाम, ठीक है। और जो अभी कैरेक्टर है गाइस उसका नाम ऊपर में लिखा हुआ तुम लोग को दिख जाएगा। और यहाँ पर देखो भाई ये मेरा बंकर को तोड़ना चालू कर दिया, लेकिन गाइस हम लोग भी हार मानने वालों में से है नहीं और जितना भी एनिमी आएगा सभी को हम लोग यहाँ पे दो दो के मार मार के भगाएंगे। और हम लोग गाइस यहाँ पे उसका ए वाले बंकर पे टिक कर दिए हैं और हम लोग जाएंगे उसका बंकर ए को तोड़ने के लिए। और हम अभी डीजे इक्वलाइजर जो कि डांस कर देता है, देखो अभी इसको डांस कराएंगे क्या, रुको यहाँ पे आप इसको तोड़ते हैं सबसे पहले। भाई मेरा जो है सबसे फेवरेट कैरेक्टर है वोल्केनो और भाई पीछे से ये बर्फ वाला एक लेजेंडरी कैरेक्टर है भाई, ये जो मेरे अपोनेंट है ना गाइस जिसके ऊपर ये बर्फ वाला कैरेक्टर, भाई मार दिया यार मेरा डीजे वाला कैरेक्टर को, देखो मार दिया। ये लेजेंडरी कैरेक्टर है आई थिंक गाइस, तुम लोग कमेंट में बताना कौन सा कैरेक्टर ईपी के लेजेंड, नहीं भाई लेजेंडरी नहीं होगा, लेजेंडरी लेवल 9 का होता है। मेरा वोल्केनो जो है ना गाइस ये लेजेंडरी कैरेक्टर है, तो मेरे पास ये कि लेजेंडरी है तो ये लेवल 9 का। और गाइस उसके बाद हम लोग यहाँ पर मारना स्टार्ट कर रहे हैं और भाई इसमें बहुत सारा इंटरेस्टिंग सब कैरेक्टर है, लेकिन गाइस मेरे को अभी एक ही लेजेंडरी मिला है। तो चलो गाइस इसका बी बंकर भी तबाह कर दे, ए बंकर भी, और टाइमिंग से ख़त्म होने से पहले गाइस हम लोग को करना है जल्द से जल्द यहाँ पे मैच विन। एक मैच विन करने पर भाई 30+ ट्रॉफीज मिलता है, तो आसानी से गाइस हम लोग को 1000 ट्रॉफीज कर सकते हैं। उसके बाद भाई इसका दोनों बंकर तोड़ दिए और ये लोग भी काफ़ी खतरनाक खेल रहा है गाइस, मेरा भी बंकर तोड़ दिया है एंड भाई पीछे से यहाँ पे देखो ये कभी नीचे जा रहा कभी ऊपर जा रहा। चलो हम लोग यहाँ पे बंकर तोड़ना स्टार्ट कर दिए हैं एंड गाइज लगभग मेरे साथ कहानी ख़त्म है और हम लोग यहाँ पे मैच विन कर चुके हैं पहला मैच गाइज, फाइनली गेम सब हो गया। और ये देख लो गाइज सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मारे हैं भाई हम यूज किए वोल्केनो के साथ, और वोल्केनो वाला जो करेक्टर भाई बड़ा खतरनाक है यार, लावा फेंक के जो मारता है क्या ही लेजेंडरी करेक्टर है गाइज। और हम यहाँ पे MVP बने वोल्केनो के साथ। तो कमेंट में बताना गाइस कि तुम लोगों को कैसा लगा गेम प्ले एंड देखते देखते हम लोग का 851 से 881 ट्रॉफीज हो चुका है और एडिना 3 से एडिना 4 हम लोग जल्द से जल्द जाने वाले हैं। और गाइस बहुत सारे करेक्टर है जिसमें कि हम सबको लेवल अप कर दिए थे, पिछला वीडियो नहीं देखा होगा देख लेना, उसमें हम लेवल अप भी किए थे एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग सब हम वीडियो लाए हैं। तो प्ले लिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा प्रैक प्रो शूटर का, वो भी देख लेना। तो अभी हम लोग जो है ना यहाँ पे हनीन वाल को ले लेंगे एंड क्योंकि गाइज बहुत दिन हो गया इसका हनीन वाल का हम यूज़ नहीं किया है। ये चकड़ी घुमा घुमा के मारता है भाई एनिमी को और ये स्काउट एंड जो नट्स वाला करेक्टर है ये इधर ही हमको मिला था एपिक करेक्टर। और फ्रिज भी जो कि काफ़ी खतरनाक करेक्टर है और ये ब्राजीलियन वाला करेक्टर है एंड ये देख लो ये डीजे क्वालेजर, इसका जो झंडा देख रहे हो ना गाइज ये फ्रांस है, फ्रांस वाला करेक्टर है डीजे क्वालेजर। तो यहाँ पे इसको कर लेंगे अपग्रेड और मेरा हो जाएगा लेवल 6 और इससे मेरा हीट पॉइंट्स और मैक्स जो DPS है सब कुछ यहाँ पे बढ़ जाएगा जितना भी इसमें एबिलिटी है। और फालतू का ऑफर सबको यहाँ पे हम लोग को लेना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे आप करेक्टर का देख लेते हैं कितना हो गया है। तो भाई चलो 300 से ऊपर तो अब अटैक करेगा। और गाइज आज हम बहुत सारा ऐसे ऐसे करेक्टर्स है जिसको कि हम अच्छा से यूज़ करने वाले हैं। भाई मिमी का हम यूज़ करना चाहते हैं, भाई जहाँ तक हम सुने हैं मिमी बहुत खतरनाक करेक्टर है, यह जो है काफ़ी ज़्यादा बचाती है, अगर कोई एनिमी भी मारने आ रहा है तो मिमी जो है ना एक शील्ड अपने सामने बनाती है और एनिमी जो है उस शील्ड को तोड़ता है तो ही वो अंदर आ पाएगा, नहीं तो बिना तोड़े नहीं आ सकता। इसलिए मिमी भाई काफ़ी ज़्यादा हमको मस्त करेक्टर लग रहा है एंड आज हम लोग पूरा गेम में मिमी का यूज़ तुम लोग को दिखाएंगे करके। एंड साथ में गाइज यहाँ पर जो है इस वाले करेक्टर का भी हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं और अपना जो मिमी है मिमी का भी यूज करेंगे गाइज। ये डिफेंस वाली करेक्टर है जो कि बचाता है पूरा और वहाँ पे सब लिखा है गाइज कौन सा बचाने वाला और कौन सा डिफेंस और कौन सा सेंटर के लिए है, सब करेक्टर वहाँ पर लिखा है। तो तुम अपने हिसाब से डेक बना सकते हो और काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेम है गाइज, तुम खेल सकते हो। और हम लोग गाइज यहाँ पर इंडस बैटल रॉयल और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब गेम प्ले लाते रहते, तो यार लाइक कर दिया करो देखा करो अपने इंडिया का गेम को भी सपोर्ट किया करो गाइज। तो चलो गाइज हम लोग यहाँ पर निकल चुके हैं अब अटैक करने के लिए। हनीन बाल बड़ा स्लो चलता है गाइज, दूसरा करेक्टर में स्विच करते हैं। तो गाइज अगर तुमको लग रहा है कि यहाँ तुम्हारा एक कैरेक्टर का हेल्थ कम हो रहा है तो देखो जैसे हम यहाँ पे भाई अभी फाइट करने वाले हैं इस वाले कैरेक्टर के साथ और गाइज ये कैरेक्टर भाई हमको बढ़िया लगता है क्योंकि ये जो है ना थोड़ा वो क्या बोलते हैं वो ठंडी इलाका से आया है ये वाला कैरेक्टर। इसका तुम चप्पल देख लो भाई कितना लंबा है, वो जो है ना ठंडी वाला इलाका से आया तो ये हमेशा जो स्लाइड मारता है ये ठंडी वाला चीज़ से, ठीक है। और गाइज यहाँ पे भाई पूरा मेरे यहाँ पे बंकर को तोड़ने के लिए आ गया गाइज, मेरा बंकर ये तोड़ दिया गाइज, देखो यहाँ पे हार जाएंगे यार, मेरा बंकर ये तोड़ दिया। और यहाँ पर जो है ना भाई यहाँ पे चलो एक काम कर दिया,
मेरा भाई वोल्कानो वाला करेक्टर जो है बड़ा काम गया, लेजेंडरी करेक्टर, ये भी इसका बी बंकर तोड़ दिया। और चलो अब जब बंकर तोड़ा ही है, जब फाइट नहीं करना है, तो भाई चलो हम लोग भी इसका बंकर तोड़ते हैं। और इसके साथ गए हम लोग इसका ये बंकर को भी तोड़ देंगे और पॉइंट काफ़ी जल्दी यहाँ पर घटा दे और जल्द से जल्द हम लोग यहाँ पर मैच विन कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर इसका कहानी खत्म। अब इसका जो ओनली सी बचा है तो गए आराम से हम लोग ऊपर जाएंगे और सी वाले बंकर को भी तोड़ देंगे। तो गए हमको सबसे बढ़िया जो करेक्टर अभी यहाँ पर मेरे पास है वो अपना लेजेंडरी है, जिसमें कि वोल्कानो है। और उसके बाद हमको भाई जो रेयर में सबसे बढ़िया लगा है तो भाई डीजे क्वालेजर तो है ही नचाने वाला, बट उससे भी बेस्ट हमको मिमी लगता है, क्योंकि भाई मिमी डिफेंस में सबसे बढ़िया हमको लग रही है। जो भी मेरे पास करेक्टर अभी उतना ज़्यादा करेक्टर नहीं है, आने वाला टाइम में और भी करेक्टर अनलॉक होगा तो गाइस हमको पता चलेगा कि कौन कौन करेक्टर किस टाइप का है। लेकिन अभी जितना करेक्टर है उसमें से हमको रेयर में भाई मिमी काफ़ी अच्छा लग रहा है। कमेंट में बताना गाइस कि सबसे अच्छा डिफेंस वाला करेक्टर कौन सा तुम लोग को लगता है। तो हमको मिमी अभी फिलहाल ठीक लग रहा है क्योंकि मेरे पास जो भी करेक्टर है, या तुम लोग मुझे कमेंट में बोल सकते हो कि सौरभ भाई आप ये सब करेक्टर अपने डेक में यूज़ करो, लेकिन वही बोलना जो मेरा भी करेक्टर अनलॉक है। अब ऐसा मत बोलना भाई जो करेक्टर अनलॉक है ही नहीं, तो उस टाइप से तुम लोग भी यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो। और चलो अब हम लोग यहाँ पे इसका वेलकाय नाम का जो है वेलकाडी टाइप का जो है करेक्टर है जिस वाले लड़की वाला करेक्टर का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम लोग लगा लिया वेलगाड़ी और देख सकते हो गाइज हम लोग का फिर से डेक हो चुका है तैयार। और यहाँ पर जो है कितना ट्रॉफीज हो गया भाई, 911 हो गया है। और करना कितना हम लोग को 1000 ट्रॉफीज मनली करना है ही। तो चलो यहाँ पे मैच स्टार्ट करते हैं। और गाइज यहाँ पे टिप्स सब भी देता है तो टिप्स सब भी देख लिया करो, क्या क्या है, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, बहुत सारा चीज़ है। तो हम गाइज यहाँ पे मेरे ख्याल से हमको लग रहा है 1000, मेरा अभी दो मोड खुला नहीं है, तो हम अगर 1000 ट्रॉफी से ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है कि मेरा और भी मोड यहाँ पे खुलेगा। तो टोटल अभी तक मैं 4 मोड, और तुमको पता है कि वॉल्यूम 4 का अपडेट आने वाला है इसका, तो काफ़ी ज़्यादा मस्त यहाँ पे अपडेट तुम लोग को देखने के लिए मिलेगा, हम लोग को भी देखने के लिए मिलेगा भाई सभी को। और गाइज देखो वेलकाडी का पावर ये है, मेरे को ये अच्छा लगता है गाइज, ये उड़ उड़ के मारती है, बट गाइज इसका हेल्थ बहुत कम है एंड ये कॉमन करेक्टर है। और भाई इसको देखो फटाफट मार दिया। और भाई इस बार डेन वाला जो करेक्टर है भाई, ये देखो भाई लेवल 9 लेके आया बंदा भाई, बड़ा खतरनाक आ रहा है। लेकिन 1308 यहाँ पे इसका पॉइंट, और मेरा पॉइंट 1824 यार घटा दिया यार। और भाई मेरा सभी बंदे को यहाँ फटाफट मार रहा है। चलो इस बार हनिन बाल में फाइट हो जाएगा भाई, एनिमी का हनिन बाल भी कितना लेवल 7 का है ना, और मेरा लेवल 6 गाइज हम मार देंगे यार, हमको चांस नहीं क्योंकि मेरा लेवल कम है। देखो गाइज हमको मार देगा ये, कितना भी हम यहाँ पे झूठ मूठ के इससे फाइट ले लिए। तो यहाँ पे देखो हमको इसका हनिन बाल यहाँ पे हमको मार दिया है और इसका लेवल 7 का था। तो हम यहाँ पे वेलकॉन में स्विच कर लेंगे गाइज, जब हमको लगता है कि बंदे यहाँ पे अच्छा खासा लेवल का लेके आ रहे हैं। देखो ये डैन वाला जो करेक्टर भाई कितना खतरनाक है यार, इसका देखो लेवल 9 का लेके आया और गाइज इसको मार दिया वो, क्योंकि गाइज मेरा जो है ना वेलकॉन बड़ा मस्त काम करता है। और यहाँ पे देख लो गाइज ये जो बी वाला है ना, हम यहाँ पे हम अंधा टाइप से हो गए, दिमाग मेरा काम नहीं किया गाइज। और हम यहाँ पे जो सोच रहे थे क्या यहाँ पे बी पे ही जो ना अटैक करना, बताओ ये खुद मेरा बंकर है ब्लू वाला गाइज जो तुम देख रहे हो ना, ये मेरा बंकर। और यहाँ पे हम गलती से हम ये चला रहे थे मिस्टेक से, बी वाला मेरा बंकर, ब्लू वाला जो कलर में लिखा है ना बी सी है वो मेरा भाई बंकर है, और जो सामने वाला एनिमी का रेड वाला वो एनिमी का। और गाइज यहाँ पे एनिमी देखो यहाँ पे मारने आ गया, इस एनिमी को मारेंगे। और तुम यहाँ पे देखो मिमी का कमाल दो गाइज, मिमी जो ना हमेशा डिफेंस यहाँ पे लगा कर रखती है कि यहाँ पे कोई भी एनिमी आएगा यहाँ पे, ये देखो ये घुस ही नहीं पाएगा, इधर घुस ही नहीं पाएगा, ये बाहर से मार रहा है और हम इसको यहाँ पे मार देंगे, ये इधर आ ही नहीं जाएगा जब तक। ये मिमी जो ना हमेशा डिफेंस के लिए बहुत अच्छा काम आ रही है कि भाई कोई भी एनिमी अगर मार रहा तो फटाक से ये यहाँ पे शील्ड लगा लेगी। और गाइज देखो यहाँ पे भाई हमको मार दिया यार, लेवल 9 का डैन मार दिया यार, वोल्केनो को मार दिया, तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मैच हो रहा। कमेंट बताना कि तुम लोग को कैसा लगता है। चलो अब हम लोग को मिमी का दिखाते हैं यूज़, देखो अभी मिमी का कितना मस्त गेम प्ले दिखाएंगे भाई। मिमी यार रियली यार हम लाइक करते हैं इस वाले करेक्टर को यार, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट करेक्टर है मिमी। और कभी लेवल 9 गड्ढे हैं भाई, मारने दे भाई, देखो यहाँ पे लगा लिया शील्ड और इसको देखो अब हम वाट लगाएंगे भाई, कहीं तोड़ ना दे भाई, इसका लेवल ज़्यादा है, लेवल 9 है भाई यार, डैन को मारते वो भी लेवल 9 का था। तो गाइज कमेंट में बताना कि मिमी कैसा लगा तुम लोग को। और उसके बाद यहाँ पे देखो इसको मारना स्टार्ट कर दिए एंड देखते देखते गाइज यहाँ पर जो है वेलकाई वाला मेरा हेल्थ कम हो गया और हनिन वाल को यहाँ पे मारना स्टार्ट कर दिए शील्ड लगा के। भाई देखो यही तो सबसे फ़ायदा वाला चीज़ है कि इसका शील्ड, देखो अभी यहाँ पे शील्ड टूट गया है क्योंकि भाई एक साथ अब उतना कोई मारेगा तो टूटेगा ना, और पीछे से हनिन वाल है हमको पता है भाई पीछे से आएगा, अब तू इधर आ जा भाई, ये घुस ही नहीं पाएगा आड़ पाड़, ये आ ही नहीं पाएगा जब तक शील्ड नहीं तोड़ पाएगा। और भाई देखो ये लोग तो शील्ड ही तोड़ रहा है, तो चलो ये भी लेवल 7 का इसको मार देंगे एंड 153 भाई, डेन जो है ना इसका लेवल 9 है भाई, हमको डर लग गया इसलिए हम यहाँ पे शील्ड लगा लिए। और भाई इसका चार्जिंग जो है शील्ड का चार्जिंग भी जल्दी जल्दी हो रहा है, डिफेंस में सबसे एक नंबर भाई बेस्ट करेक्टर है ये मानना पड़ेगा। देख सकते हो कितना 499 यहाँ पे मेरा है पॉइंट और हेल्थ और 652 एनिमी का है। और गाइज हम यहाँ पे फिर से शील्ड लगा लिया, आ जा मारेगा मारेगा मेरे को, आ जा तोड़ भाई, पहले तू शील्ड तोड़, शील्ड तोड़ेगा तब ना। चलो अब यहाँ पे वेलकॉनो में हम स्विच कर लिए एंड गाइज देखते देखते हम लोग यहाँ पे जो तोड़ दिए इसका बंकर और इसका जो है बी और ए बंकर तोड़ दिया भाई, बंदा यार काफ़ी खतरनाक है। लेकिन गाइज हम तो एकदम जो है ना अपना दिमाग का यूज करके अच्छा से खेल, और यहाँ पे इसका हनिन बाल को मारेंगे, हेल्थ कम है, चलो मार दे भाई, मेरा भी मर गया, मेरा भी हेल्थ यहाँ पे कम था।
तो देखते देखते कई मैच काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो चुका है। मेरा 319 हेल्थ है, तुम देख सकते हो यहाँ पर उसका 305 है यहाँ पे। और वेलकाई मार दो भाई, मार दो, लेकिन कहीं हमको वेलकाई पे उतना भरोसा नहीं है क्योंकि वेलकाई का यहाँ पे हेल्थ कम है। हम स्विच कर लेते हैं और चलो अभी यहाँ पे जो यहाँ पे सबसे मेरा भरोसेमंद करेक्टर है वेलकानो। वेलकानो यहाँ पे मारेगा भाई, मार एकदम मस्त भाई। इसका जो लावा फेंकता है ना एक्टिव स्किल में, जो एक बार में लावा जो फेंकता है वो भाई और भी गंदा डैमेज देता है एनिमी को। और देखने के साथ गए हम लोग यहाँ पे जो है ना, अब हम लोग का जो है मैच विन करने का काफ़ी ज़्यादा चांस आ रहा है। और सी बंदर को हम लोग तबाह करने आ चुके हैं। और गए अभी सर कहानी ख़त्म है, ही पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो गए देखते देखते हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं मैच विन। तो फाइनली यहाँ पे हो गया है गेम साफ और देखते देखते हो चुका है वेलकानो के साथ विक्ट्री। तो वेलकानो ही MVP आ रहा है भाई, जितना बार होगा ना मेरा हमेशा MVP करेक्टर में वेलकानो ही रहेगा। कमेंट में बताना गाइस कि तुम लोग को सबसे बेस्ट यहाँ पर कौन सा करेक्टर लगता है। और एक बात और गाइस, देखो हम अभी एडिना 3 में हैं और हम अभी 1000 ट्रॉफीज करने वाले हैं, तो एडिना 4 चल जाएंगे। एंड सबसे लंबा एडिना कितना तक है गाइस इस वाले गेम में? अगर तुम लोग फ्रैक प्रो सूटर खेलते हो तो मेरे को ये बता देना कि लंबा एडिना यानी कि एडिना 8, एडिना 9, एडिना 10 कितना एडिना तक डेवलपर्स बनाया है, क्योंकि हमको उसका आइडिया है नहीं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर चलो स्टार्ट हो चुका है टिप्स यहाँ पे देना ट्राई। और इस बार भाई बंदा जो है थोड़ा, ये लोग भी आया है मिमी को लेकर, तो हम तो मिमी का यूज कर ही रहे हैं लेकिन सामने वाला भी मिमी को लेकर आया। और इस बार हम डेन लगा लिए हैं, डेन वाला करेक्टर। और हम भी थोड़ा सोचे यार डेन लेवल 9 का यार ज़्यादा यूज करें डेन का भी। और इस बार हनीन वाल को लिए, लेकिन भाई हनीन वाल स्लो चलता है तो हम यहाँ पे डेन का यूज करते गए। देखते 328 का हेल्थ है, बट भाई स्टंट कर दिया यार एक के बार में भाई आके, यार भाई देखो हमको पेल दिया यार एक बार में आके यहाँ पे जो सबके बीच में हम घुस गए और सबको यहाँ पे हमको पेल दिया। और गाइस चलो अभी यहाँ पे वेलकानो पे हम कर दिए क्लिक और वेलकानो सब भाई वेलकानो को ही मार दिया गाइस, गजब वाले यार वेलकानो को भी मार दिया है। तो मैच यहाँ पे तो काफ़ी ख़तरनाक हो रहा है भाई, लेकिन मेरे करेक्टर्स को यहाँ पे चांस ही नहीं मिल रहा है। और चलो अब मिमी का यूज करते भाई, मिमी जो धीरे धीरे मारती है लेकिन भाई सबसे बढ़िया चीज़ ये शील्ड लगा के मारती है, तो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो यहाँ पे देखो भाई दूर से भी डैमेज है, 30-32 का डैमेज देखो। और भाई ये रोबोट लगा लिया, ये एक रोबोट वाला करेक्टर है भाई, रोबोट लगा लिया। चलो हम शील्ड लगाते हैं, मार भाई मार, ये लेवल 7 का इसको मारेंगे अभी। ये देखो भाई मार दिया यार, रोबोट मार दिया हमको ना मिमी जो है, मिमी क्या ही बोल सकते भाई, मिमी जो है इसका बात ही कुछ अलग है। लेकिन जो है ना अब 5 बंदे अब तुमको मारेगा एक साथ, तो तुम क्या ही कर सकते हो। तो चलो अभी यहाँ पे जो है इसको हम वेलकानो से तोड़ेंगे भाई। भाई यहाँ पे जो है वेलकानो को भी मार रहा भाई, वो सभी अपने बंदे वो एक साथ रखा है गाइज। और यहाँ पे रोबोट इसको हम तोड़ते हैं भाई स्टंट कर गाइज यार, इसका जो है ना इक्वलाइजर वाला करेक्टर जो है ना हमेशा नाच कर देता है, डांस करवा के उसके बाद मारता है भाई। तो गाइज यहाँ पे मैच काफ़ी ख़तरनाक हो गया है और सामने वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा मस्त दिमाग से खेल रहा है। एंड मेरा जो है 999 यहाँ पर हो चुका पॉइंट जैसा कि हेल्थ देख सकते हो। बट हम भाई हार मानने वाले उस नहीं है, आजा भाई तू मारा था ना मेरे को, इसको इस बार हम छोड़ेंगे ना। इसका हेड पे अटैक मारते हेड, ये गया -45 लगा और तू भी गया -45 लगा। तो चलो मैकानाइट को भी मार दिए और उस वाले कैरेक्टर रोबोट वाले का नाम भाई भूल गया, वो मोटा ताजा था और इसका रोबोट को तोड़ते बहुत ही मार रहा था भाई। चलो रोबोट का भी बात लग गया और चलो अब इसका हम लोग बी बनकर तोड़ेंगे, कहीं ऐसा ना कि पीछे से भाई यहाँ पे इक्वलाइजर आ गया है, हम शील्ड लगा लेते भाई नहीं तो हमको मार देगा। तो चलो ये आजा आजा मारेगा, मार 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 भाई यार, 3 बंदे यार तोड़ देगा हमको भाई। हमने भाई चलो हम स्विच कर ले, वैसे मेरा और मिमी को मार ही दिया था और अब हम यहाँ पे इसको बनकर तोड़ेंगे। पहले भाई एक साथ ये लोग जो सब करेक्टर लगे बैठा था भाई, मेरे पीछे लग गया गाइज, भागो यहाँ से भागो, यहाँ पे पीछे लग गया है। देखो यहाँ पे मैकानाइट मेरे पीछे तोड़ना स्टार्ट कर दिया भाई, हम यहाँ पे पूरा यहाँ पे दो दग मार रहे हैं और उसके बाद इसका बी वाला को पूरा तोड़े हैं भाई, पूरा तरह से यहाँ पे ख़त्म कर दे तोड़ के। और -45 ये लोग का हो गया है। और देखने के साथ अब हम लोग आते हैं नंबर ए पे, तो इसका जो है सी और ए बनकर बचा हुआ है। और भाई यहाँ पे स्टंट कर दिया गाइज फिर से यार, डीजे क्वालेजर मत मार भाई यार, ये बड़ा ख़तरनाक यार, डीजे क्वालेजर जो स्टंट कर देता और उधर से सब बंदा मिलकर भाई मारता है एक साथ। तो चलो गाइज अब यहाँ पे देख लेते हैं फाइट यहाँ पे हो चुका है मेरा मिमी के साथ, और कहीं मिमी हमको मार ना दे भाई। यहाँ पे जो दो दो करेक्टर आ गया है, गए गए, चलो हम स्विच कर लिए। और उसके बाद यहाँ पे जो इसके साथ भाई यहाँ पे तो ये तो भाई मोमेंट वाली करेक्टर है, जितना फास्ट भाग के मार सकते हैं गाइज, जितना फास्ट है। देखो भाई नचा देंगे भाई, नचा के मारेंगे नचा भाई, सब करेक्टर को एक ही साथ रखा है। और गए चलो अब हम स्विच करना पड़ेगा, नहीं तो भाई वहाँ पे हेल्थ कम हो गया था, बट कहीं मेरे को लग रहा है वहाँ पर वापस हमको जाना पड़ेगा। और मिमी गाइज इतना दूर में क्या कर रही है, अपना यहाँ पे बचा रही है। तो यहाँ पे भाई चलो हम भाई स्टंट कर दिया, गए इस बार दिया गया, अब हमको ट्रांसफर फिर से होना पड़ेगा। और इस बार वेलकानो को स्विच कर लेते हैं, बेस्ट रहेगा गाइज, वेलकानो काम आता है भाई, बड़ा खतरनाक वेलकानो का डैमेज देख रहे हो कितना खतरनाक, गया ये गया और रुक जा डीजे कर अगर भाई। चलो अब यहाँ पे मैच जल्द से जल्द हम लोग विन कर गए गाइज, हमको लगा नहीं इतना जल्दी कर देंगे। तो चलो यहाँ पे हम लोग का जो है विक्ट्री। और भाई क्या ही काम है यार, मिमी जो है ना डिफेंस बहुत मस्त यूज करती है,
तो यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है ट्रॉफीज अच्छा खासा और गोल्ड भी मिल चुका है। एंड देखते देखते हम लोग का कितना हो गया ट्रॉफीज गाइज। वंस चेक अगेन व्हाट्स माय ट्रॉफीज, कितना ट्रॉफीज हो गया है, ट्रॉफीज हो चुका है 971 गाइज। एक गेम, ओनली वन गेम, तुम्हारे भाई को सिर्फ एक गेम खेलना है। एंड हम लोग पहुँच जाएंगे यहाँ पर एडिना 4। और इस बार कैरेक्टर में थोड़ा चेंज करते हैं, एमिली को ले लेते हैं ग्रोपलिंग गन वाला, और ये ले लेते हैं भाई काम करेगा क्या शॉट, ये जो है ना अपना एक बम फेंकता भाई और बोतल में, दारू का बोतल में भाई बम ला के फेंकता है, और जिस पे ये अच्छा बम फेंक दिया भाई उसका तो वाट लग जाएगा। और देख लो गाइज हो चुका कहानी स्टार्ट हो चुका भाई, समाप्त कहाँ हुआ भाई, कहानी तो अभी स्टार्ट हुआ है। और हम लोग के साथ काजको नाम का बंदा है, इसका अभी भाई 955 ट्रॉफीज है और हम लोग यहाँ पर निकल चुके हैं। अब ये वाला मैच अगर विन कर लेते हैं तो डायरेक्ट एडिना 4 में एंट्री मारेंगे डायरेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो जब प्रेक प्रो शूटर का लाएंगे तब तुम लोग को एडिना 4 का गेम प्ले दिखाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर फाइट काफ़ी अब खतरनाक हो सकता है कई, क्योंकि ये लास्ट है और हम यहाँ पर भाई डायरेक्ट ग्रैपलिंग गन यूज़ करते हैं। माना भाई यहाँ पर आ गया, इसका बंदा आ गया, इसका बंदा आ गया, और भाई दो तीन तीन बंदा एक साथ आया यार, ग्रोपलिंग गन वाला है इसको हम यूज़ करके तुरंत। भाई ये फायदा है ना भाई इस वाले करेक्टर में, इपिक करेक्टर है, बट भाई यहाँ पे हेल्थ कम है, ऊपर में एक यहाँ पे मेडिकेट होगा। तो चलो यहाँ पे हम अपना हेल्थ यूज़ कर लिए और उसके बाद कई हम लोग इधर जाते हैं और फिर से इसका तोड़ना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, बंकर एक को तोड़ना यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं देख लो। और देखते देखते गाइज यहाँ पे फिर से मेरे ऊपर हमला, लेकिन हम भाई बच रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर मेरा हेल्थ कम हो ही गया है तो कहानी वहाँ पर ख़त्म था ही एमिली के साथ। तो गाइज अब हम यहाँ पे दिखाएंगे तुम लोग को फिर से अगेन अपना बेस्ट करेक्टर एमिली का, सॉरी गाइज मिमी का, मिमी एमिली तो भाई मर गई ना। और गाइज हमको डिफेंस बनाना पड़ेगा और भाई पीछे से भी एनिमी, चलो उसको मारेंगे 45 और इसको भी मारेंगे। रुक जा भाई, भाई यहाँ पे हेल्थ मेरा कम हो गया। और भाई गए यार एक साथ ये लोग का सब करेक्टर आ जाता है एक ही जगह पर करेक्टर को रख दिया। अब आता है वेलकैनो का वाड़ी, वेलकैनो हम लोग लगा लिया है और चलो अब वेलकैनो के साथ यहाँ पे तबाही मचाते भाई। ला जा ये गया -45 भाई, वेलकैनो के सामने टिक पाएगा भाई, फाड़ देंगे पकड़ के, चीर देंगे। और यहाँ पर देख लेते हैं नंबर एक यहाँ पे हम लोग फिर से तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। और देखते देखते गए ये यहाँ पे बम फेंकना पूरा स्टार्ट कर दिया, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो उसको छोड़ेंगे नहीं और पूरा तरह से यहाँ पे उसको ख़त्म कर देंगे। लेवल 7 का था भाई ये बम फेंकने वाला, तो पूरा यहाँ पे जो हम लोग बम फेंक के इसका तबाही मचा देंगे। और उसके बाद अब हम लोग को तोड़ना यहाँ पर इसका बी बंकर को, तो टोटल यहाँ पर ए बंकर को तो हम लोग अभी तोड़े नहीं है, लेकिन अब हम लोग को बी बंकर को तोड़ना पड़ेगा। मेरे को लगा था कि हम लोग यहाँ पे ए बंकर को तोड़ दिया और यहाँ पे लेवल 11 वाला बंदा आ गया है भाई, लेवल 11 इसका, तुम लेवल देखो कितना खतरनाक है, लेवल 11 कर लिया, लेवल 7 कर चुका है पूरा, ये लोग अपना लेवल बढ़ा लिया है। और गाइस अब यहाँ पे भाई मिमी यार वो भी यूज़ कर रहा है, तुम समझ सकते हो भाई सामने वाले भी बंदे यहाँ पे मिमी का यूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गाइस मिमी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और वो शील्ड लगा लेती है, तो इसलिए गाइस यहाँ पे जो मिमी का यूज़ मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। और गाइस कमेंट में बताना कि तुम लोग अभी कितना एरिना में और कितना ट्रॉफीज कर चुके हो, मेरा तो अभी 1000 होने वाला ही है और ये गेम हम कभी खेले नहीं थे तो इधर ही स्टार्ट किए थे जब मेरा सब्सक्राइबर लोग यहाँ पे हमको बोल रहा था। और गाइस देखो इस बार यार मिमी हमको मार दी गाइस, दूर से मिमी मार दी और शील्ड भी लगा ली। चलो हम यहाँ पे फिर से मिमी, भाई यार मिमी कितना दूर में है गाइस, ये यहाँ पे बचा रही है, मतलब कोई अगर आएगा ना तो मिमी यहाँ पे बचाएगी। तो यहाँ पे स्विच कर लेते हैं, दूसरा वेलकैनो में ही कर लेते हैं, और वेलकैनो भी यार कितना दूर है और ये इसका एक भी बंकर हम लोग तोड़े ना। और भाई यहाँ पे आ चुका है ये बम वाला, हमेशा वेलकैनो से फाइट कर, रुक जा गया भाई, मेरा भी हेल्थ कम कर दिया, 90 का हेल्थ यहाँ पे रखा है गाइस मेरा, 90 हेल्थ कर दिया है। तो चलो अब यहाँ पे इसका बंकर ये पे हम क्लिक कर दिए हैं और अब जाएंगे फाइट करने अगेन। देखते देखते हम लोग निकल चुके हैं इसका तोड़ने के लिए, लगता नहीं है क्या गाइस की तोड़ पाएंगे, क्योंकि भाई बंदा जो है काफ़ी मस्त खेल रहा है और भाई लास्ट चांस अभी है। और अभी अगर हम मैच विन नहीं करेंगे तो गाइस यहाँ पे भाई देखो मिमी आ गई और शील्ड लगा रही, तो भाई शील्ड लगा दी लेकिन फिर भी मर गई। और गाइस यहाँ पे लेवल 7 का ये बंदा, रुक जा इसको भी गया कहानी से भी ख़त्म। तो भाई पॉइंट तो कम कर दिए हैं और भाई अब मैच विन होने वाले, फ्रेंजी मोड मैच विन होने वाले हैं, कोई बात नहीं, हम लोग का ट्रॉफी अभी काफ़ी ज़्यादा है। और फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं मैच विन, गेम सब यहाँ पे हो चुका है फाइनली ख़त्म। और भाई इस बार मिमी MVP आई भाई, गजब हो गया यार मिमी आई MVP, तुम समझ सकते हो, हम मिमी का लेकिन यूज़ उतना किए नहीं थे गाइस, मज़ा आ गया। कमेंट में बताना गाइज। और ये रहा न्यू एडिना, इसका नाम है मॉस्को, 1000 ट्रॉफीज में, और इसमें हम लोग को जो है वो 5 करेक्टर देखने के लिए नया मिलेगा। और यहाँ पर देख लेते क्या मिलता है, चलो मिमी का यहाँ पे कार्ड मिला बहुत बढ़िया और गोल्ड मिल गया 150, तो चलो ये गोल्ड भी हो गया।
और गाइज कैसा लगा तुम लोगों को गेम प्ले, आई होप यार तुम लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। फ्रैक प्रो शूटर का हम लोग और भी वीडियो लाएंगे और भी न्यू गेम का लाते हैं, तो सब्सक्राइब कर लो। और यार लाइक कम से कम 50 प्लस लाइक यार टारगेट करते हैं, इतना कम से कम कर लिया है। और क्लियो नाम का यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग करेक्टर तुम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखो जीनी टाइप का करेक्टर है भाई, बड़ा खतरनाक सब। और ये भाई हथौड़ा थोर टाइप का, तो गजब। और ये पुलिस भाई रोबोट वाला पुलिस है भाई, क्या बात है। और एरिना 5 में जाने के लिए हमको 300 ट्रॉफी ज़्यादा चाहिए, तो गाइज हम एरिना 5 में जा पाएंगे। और ये वाला करेक्टर बड़ा मस्त है भाई, तो चलो गाइज जल्द से जल्द हम लोग यहाँ पे निकालेंगे अपना। और एरिना 8 भाई कितना ज़्यादा एरिना यार, कमेंट में बता देना। और तुम लोग से बात करते हैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कर देना गाइज। जल्दी मिलते हैं तुम सभी लोग के साथ अगेन।